राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ शादी का दबाव बनाने पर एक युवक ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े कर उन्हें जंगलों में फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 6 महीने पुराना मामला सुलझा लिया है। दिल्ली के मेहरौली थाना पुलिस ने करीब 6 महीने पहले हुई हत्या का मामला सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने आफताब नाम के युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार आफताब और श्रद्धा नाम की युवती की मुलाकात मुंबई के एक कॉल सेंटर में हुई थी। उस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद श्रद्धा के परिवार ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों मुंबई से भागकर दिल्ली आ गए। बताया गया कि श्रद्धा के परिवार वाले सोशल मीडिया के जरिए उसकी जानकारी लेते रहते थे, लेकिन जब श्रद्धा की सोशल मीडिया जानकारी मिलना बंद हो गई तो उसके पिता दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद श्रद्धा के पिता ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की। पुलिस को दी शिकायत में श्रद्धा के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात आफताब नाम के एक युवक से हुई थी, जिस बीच दोनों में काफी नजदीकी बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन परिवार वाले इससे खुश नहीं थे, जिसका परिवार ने विरोध किया। विरोध के बाद उनकी बेटी और आफताब दिल्ली आ गए और यहाँ के छतरपुर इलाके में रहने लगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए आफताब की तलाश में जुट गई, जिसके बाद पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा लगातार उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, इसे लेकर उनके बीच अक्सर झगड़ा रहता था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में श्रद्धा की हत्या करने की बात को कबूल किया। आफताब ने बताया कि उसने मई में श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की गला घोट कर हत्या की। इसके बाद आरी से शव के 35 टुकड़े कर अपने घर में रखे। इसके लिए आफताब ने नया फ्रिज खरीदा। 18 दिन तक आफताब रात 2 बजे शरीर के टुकड़े को एक एक कर प्लास्टिक बैग में लेकर जाता था और जंगल में फेंक कर आता था। आपकी क्या राय है इस खबर पे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।